Hello, welcome guys, this is Sheikh Ahmed and today is day 19 out of 30. हमारा third week आज complete हो जाएगा. Saturday है, last day of this week. और जो next week रहेगा वो हमारा last week रहेगा, यानी fourth week. और fifth week में हम करेंगे PR. So आज of course हमारा deload का last day है, that is back, यानी pull. और जैसे मैंने कहा था कि Wednesday को मैंने pull में deadlift को skip किया था लोअर बैक के इशू के वजह से. सो आज हमारा सिर्फ डेडलिफ्ट में ओवरलोड है जो कि पुल में, और इसके अलावा नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे जैसे बैक में हम लोग करते हैं, दैट्स नॉर्मल. बट आज हमारा ओवरलोड सिर्फ डेडलिफ्ट पे है, तो आज हमारा फोकस रहेगा हैवी लोड लिफ्ट करना है. और देखते हैं अपने पीआर का, यू नो 80% में हमें लिफ्ट करना है, 5x5 मारना है. एंड देन मंडे यानी नेक्स्ट वीक यानी फोर्थ वीक विल डिसाइड कि पीआर का क्या होने वाला है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू नो नेक्स्ट वीक, और फिर देखते हैं. और नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और जो पीआर के दिन वीडियो बनाऊंगा लाइक मंडे को पीआर टेस्ट करेंगे फिफ्थ वीक में चेस्ट, ट्यूसडे को करेंगे लेग्स या एक दिन बीच में छोड़ के लेग्स, एंड देन डेडलिफ्ट वगैरह. यानी फिफ्थ वीक में ही पीआर टेस्ट करेंगे तीनों का. तो पीआर जब मैं टेस्ट करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना सेट्स मैं ले रहा हूं पीआर में सबका वीडियो बनाऊं, ताकि पता चले कि पीआर बेसिकली हम लोग कितने सेट्स लेने के बाद देते हैं. पहले 3 से 4 वार्म अप सेट रहेगा, फिर धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते पीआर में जाते हैं, फिर वो जो पूरा सीन रहता है वो किस तरीके से होता है, कभी कभी फेलियर आता है, फेलियर के बाद फिर मानना पड़ता है, तो वो सब मैं शेयर जरूर करूंगा फिफ्थ वीक में. और नेक्स्ट वीक से ही मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ, खास करके ओवरलोड डे में, डीलोड डे में, क्योंकि हम लोग यू नो 60-65% ऑफ पीआर करते हैं, तो उसमें कोई हैवी लोड तो लेना है नहीं, 8 रेप लगाना है, ये कोई एक्सरसाइज का ट्यूटोरियल है नहीं किस तरीके से मारे और इस तरीके से मारे. सो वही सेम एक्सरसाइज रहेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे वीडियो पे. बट ऑन लोड पे क्योंकि मैं हैवी वेट लिफ्ट करूँगा, हैवी वेट लिफ्ट ऑफ करते हैं तो उस वक्त आपका टेम्पो, रेंज ऑफ मोशन, फॉर्म, सब कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है. तो वो 5 रेप्स आपको कितना क्वालिटी लगाना है वो इम्पॉर्टेंट है. तो वहाँ पर जब मैं, मेरे लिए जो हैवी वेट होगा उस पर मुझे फोकस रहेगा कि मैं क्वालिटी रेप्स लगाऊँ. हो सकता है कि जो वेट मैं ले रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो, वार्म अप हो, प्रिपरेशन सेट हो, या किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, इट डजेंट रियली मैटर. आपको अपने पीआर के अकॉर्डिंग 80% लेना है, जिसमें आपका आपके लिए वो बहुत हैवी होने वाला है. दैट्स इट. डाइट की बात करें तो डाइट हमारा अगेन एज यूजुअल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल परसों मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो पता नहीं, डाइट तो सब कुछ ठीक था बट फिर भी डाइट में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो अंदर का सिस्टम थोड़ा हिल गया था. अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम इज़ यू नो बेटर, कल से बेटर है, तो आज अच्छा फील कर रहा हूँ. एंड थैंक्स टू अल्लाह सुभान व तआला कि आज अच्छा फील कर रहा हूँ, बिकॉज आज डेडलिफ्ट है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ होता तो डेडलिफ्ट खराब हो जाता आज, यू नो. और मैं नहीं चाहता था कि हमारा डेडलिफ्ट खराब हो, यानी तीन जो हमारा प्राइमरी या प्रायोरिटी है वो नहीं खराब होना चाहिए, खास करके ओवरलोड डे में, चेस्ट, बेंच, बेंच स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट. तो आज डेडलिफ्ट करेंगे, जाते हैं, देखते हैं डेडलिफ्ट कितना मारते हैं. और एज यू नो कि अगर आपने नोटिस किया है तो ये थर्ड वीक है, इस पर मैंने हर एक्सरसाइज पे जब मैंने डीलोड किया तो डीलोड में मेरा 60-65% लेना था, बट मैंने क्या किया 70% ऐड किया. जब मैंने चेस्ट पे ये रूल अप्लाई किया मेरा 60% आ रहा था 70 kg, 65% आ रहा था मेरा बेंच का पीआर इज 70 kg, बट मैंने लास्ट वीक 80 kg लगा के 8 रेप और 5 सेट लगाया, और उस पर मेरे हाथ में रेप्स काफ़ी था, यानी लग गया, ईजिली लग गया, फील नहीं हुआ कि यार ये तो 80 kg है बहुत ज़्यादा. इसका मतलब स्ट्रेंथ मेरा बेंच में इंक्रीज हुआ है, तभी तो मैं 5 sets of 5 reps ईजिली 8 reps निकाल पाया, जो कि मेरा एक्चुअली में 73% ऑफ माई पीआर होता है. तो ये इससे ये पता चलता है कि आपका पीआर, और ये मैंने सिर्फ टेस्ट किया था, ऐसा नहीं है किसी को फॉलो करूंगा, ये टेस्ट करने से ये पता चलता है कि स्ट्रेंथ में क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या नहीं है, कहाँ लैक कर रहा हूँ. और सेम चीज़ जब मैंने लेग्स पे किया तो मुझे समझ में आया कि यस, लेग्स पे काम अभी बहुत बाकी है. लेग्स पे मेरा आई गेस 70 kg या कुछ था मेरा 60%, बट मैंने उस पर भी 80 लगा के 8 reps लगाने का ट्राई किया, तो लग तो गया 8 reps, बट वो लगभग ऐसा हो रहा था कि 8 reps लगने के बाद और 2 reps हाथ में है, यानी ओवरलोड डे के तरह मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा था. दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज ओवरलोड में हमें लोड करना होता है और 1 rep हाथ में रखना होता है, फटिक जाना है, 1 rep हाथ में रखना है, पूरा फटिक नहीं जाना. जबकि डीलोड में हमें फटिक जाना नहीं होता है, डीलोड में हमें आराम से एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो रिकवरी फेज है. तो डीलोड में जब मैंने 80 kg लगा दिया तो उस पर फिर वो आराम से नहीं था. 80 kg लगा के स्क्वाट्स फॉर मी राइट नाउ बिकॉज माई लेग इज वीक, सो 8 rep और 5 sets इज नॉट ईजी फॉर मी. तो मैंने क्या किया, वहाँ पर वेट को दोबारा ड्रॉप किया, यानी मुझे ये समझ में आया कि लेग्स जो है मेरा ज़्यादा वीक है कम्पेयर टू चेस्ट, और आई फील कम्पेयर टू डेडलिफ्ट, यानी ओवरऑल जो बॉडी पैक है या डेडलिफ्ट, उससे ज़्यादा मेरा लेग वीक है. तो इससे क्या पता चलता है कि आने वाला प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम के बाद भी आपको लेग्स को फोकस करना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि आप लैग कहाँ पर कर रहे हैं, आपका हैम्स वीक है, आपका क्वाड्स वीक है, क्या वीक है आपका, आपका ग्लूट्स वीक है, तो वो देखना पड़ता है. और फिर उस पर एक दो वीक काम करने के बाद, और एटलीस्ट एक प्रोग्राम के बाद
दो हफ्ता का रेस्ट और फिर दो हफ्ता जो मसल को आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में ट्रेन करना है उसको रेडी करना, एंड देन एक महीने या डेढ़ महीने के बाद यानी प्रोग्राम खत्म होने के 4 to 6 weeks लेटर यू स्टार्ट ए न्यू प्रोग्राम। अब वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम कितना लंबा रहेगा, 4 weeks, 8 weeks, 12 weeks, 3 महीना, लेट्स ऑल अप टू यू, बट प्रोसेस यही रहता है, ठीक है। सो दैट्स इट, अभी कर्ड 200 ग्राम कर्ड लेंगे एज यू नो, एंड देन जाएंगे जिम, और आज लगाना है डेडलिफ्ट। मौसम है काफ़ी सुहाना, लेट मी शो यू द मौसम।